हेलो बच्चों, तो प्रीवियस ऑप्टिक्स के लेक्चर में हमने देखो क्या कर लिया था। उसमें हमने किया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में रेयर से डेंसर और डेंसर से रे, ये हम कर चुके थे। देखो एक रिजल्ट भी देता हूं, रेयर टू डेंसर जो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्शन सरफेस हमने पढ़ा था वो था माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। और डेंसर टू रेयर जो रिजल्ट आया था वो क्या था, इसका उल्टा, माइनस म्यू टू बाई यू प्लस म्यू वन बाई बी इक्वल्स टू वन बाई आर म्यू वन माइनस। अब ये दो रिजल्ट आपने याद रखने, क्योंकि ये दो रिजल्ट याद रहेंगे, ये दो रिजल्ट अगर आपको याद रहेंगे तो अगला टॉपिक आप कर पाओगे। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। इन जो लेंस बनाया जाता है तो इस फॉर्मूले को बेस बनाते हैं। तो एक्चुअली में लेंस फॉर्मूला क्या है, एक रिलेशन है किस किस के बीच में, बिटवीन फोकल लेंथ, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ये देखो फोकल लेंथ, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर, इन तीनों में रिलेशन है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन करना है। तो वो देखते हैं, तो ये हमने ले लिया एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई रे चले, देखो एक्स पी वन वाई एक्स पी टू वाई, इस पॉइंट से जब वो टकराएगी यानी कि यहां से मीडियम बदल जाएगा, यहां रेफ्रेक्टिव इंडेक्स वन था यहां टू हो जाएगा, रे से डेंसर में एंट्री होगी, तो रे ऑफ लाइट कहां उड़ेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस ये जो कर्वेचर है ना, कर्व का नॉर्मल हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है, तो इस कर्व का सेंटर इस तरफ होगा, तो यहां से वेक्टर पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां आ जाएगा हमारे पास सी वन, इस वाले कर्व का सेंटर आ गया। तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल नहीं है हमें कि जाना ऐसे चाहिए मगर टुवार्ड्स द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। अगर मान लो ये सरफेस ना होता, एक्स पी टू वाई ना होता, तो ये सीधी जाती और यहां एक इमेज बना देती, आई वन ना कर दिया, बट क्योंकि ये एक्स पी टू वाई हो गया, अब डेंसर से वेव में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल इधर से ड्रॉ होगा क्योंकि इसका सेंटर इधर होगा, ये सेंटर आ गया इस कर्व का C2, तो अब ये फ्रॉम नॉर्मल तो और इधर आ जाएगी रे, और यहां पर क्या फाइनल इमेज बना, तो इसका रे आएगा यहां से रेगी यहां पर इमेज। अब ये दो रिजल्ट याद रखने हैं तो ये डेरिवेशन हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज होना है, इसका कुछ नहीं है। देखो वास्तव में क्या है, ये हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है ऐसे, और एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है ऐसे, इन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो देखो ऐसा बन गया, जो ये वाला है ये वाला वो तो ये वाला इधर इधर का, और जो ये वाला है वो ये वाला इधर, तो इन हिस्सों को रिमूव कर दिया जाता है इस तरह से, कवर कर रहा है लेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फुल मिला के यही यूज करना है, चलो यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर थ्रू एक्स
पी वन वाई, ठीक है, एक्स पी वन वाई। इस सरफेस से हमने क्या स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। देखो इस एक्स पी वन वाई से रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो रियल से डेंसर का रिजल्ट ये था ना वाला, उसको यूज करेंगे। माइनस का म्यू वन बटे में यू, यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एक्स पी वन वाई का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओ, ठीक है, तो हम लिख देंगे पी वन से ओ, पी वन से ओ, ठीक है, माइनस देखो म्यू वन बटे यू था ना, तो माइनस म्यू वन बटे क्या हो जाएगा, पी वन से ओ, क्या पी वन ओ, फिर आ जाएगा प्लस म्यू टू बटे में वी, म्यू टू बाय वी करना है। अब वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो एक्स पी वन वाई के लिए इमेज है आई वन, चलो ध्यान से एक्स पी वन वाई के लिए रे ऐसे जाती सीधी, तो आई वन जो है इमेज है इस सरफेस के लिए, तो पी वन से आई वन का डिस्टेंस ध्यान लेंगे पी वन आई वन इक्वल्स टू क्या है, वन अपॉन आर, रेडियस क्या होती है, सेंटर का डिस्टेंस, तो पी वन सी वन, तो वन बाय पी वन सी वन और म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो लेंस में ना ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और जितनी मेजरमेंट होंगी वो इस ऑप्टिकल सेंटर सी से होती है, अभी मैं पी वन से ले रहा हूं, बट पी वन सी बहुत पास में होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट पी वन से हो रही है वो सी से हो रही है, तो पी वन हो सीओ के बराबर हो जाएगा, पी वन आई वन सी आई वन के बराबर हो जाएगा, और पी वन सी सी वन के बराबर हो जाएगा, यानी जहां जहां पी वन वहां सी लिख दो, तो माइनस मी वन बटे में सी को प्लस मी टू बटे में सी I1 equals to 1 by C C1 mu2 minus mu1। अब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, ये इमेज है v1 और ये है v, पहले रख दो, तो माइनस का v1 बटे C से वो कितना है u, साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं यहां पे, क्योंकि साइन कन्वेंशन पहले ही लग चुकी है इसमें, वो रिजल्ट जो आया था वो साइन कन्वेंशन से ही आया था, प्लस म्यू टू बटे में वी वन इक्वल्स टू वन बाय आर वन म्यू टू माइनस म्यू, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। चलिए इसी तरह सिमिलरली यूजिंग रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अब डेंसर टू रेयर देखो कौन सा सरफेस है, थ्रो एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई डेंसर से रेयर पे जाएगी, ठीक है, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो रिजल्ट ये वाले यूज करेंगे, माइनस का म्यू टू बटे यू, अब यू का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो एक्स पी टू वाई के लिए ये जो आई वन है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसकी इमेज ये बन रही, तो एक्स पी टू वाई सरफेस का ऑब्जेक्ट हो गया आई वन, तो पी टू आई वन डिस्टेंस हो जाएगा, तो पी टू आई वन प्लस म्यू वन बटे में वी इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज तो आई है, तो पी टू आई इक्वल्स टू वन बाय आर, रेडियस कौन सा रहेगा पी टू सी टू, तो इसका सेंटर इधर है पी टू सी टू, पी टू सी टू, और ये हो जाएगा वन माइनस। अब वही जो मेजरमेंट पी टू से वो सी से हो रही है, तो हम यहां कह सकते हैं कि जो पी टू है वो सी आई वन है प्लस मी वन सी आई है, वन बाय सी सी टू वन माइनस टू, वेल माइनस का मी टू बाय सी आई वन कितना है वी वन, मी वन बाय सी आई कितना है वी,
इक्वल्स टू वन बाय सी सी टू कितना हो गया, सी सी टू आर टू, तो वन माइनस ये हो गया इक्वेशन नंबर। दो रिजल्ट, दो इक्वेशन, दोनों को जोड़ो, एडिंग इक्वेशन वन, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वही गए जोड़ो दोनों, ये हो गया माइनस का म्यू वन बटे यू प्लस का म्यू टू बटे वी वन, इसके लेफ्ट साइड माइनस का म्यू टू बटे वी वन प्लस का म्यू वन बटे वन वी, उसकी राइट साइड वन बाय आर वन टू माइनस वन प्लस वन बाय आर टू वन माइनस टू। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास क्या है, ये पहले ये लिख रहा हूं म्यू वन बटे वी प्लस का, इसको बाद में माइनस का म्यू वन बटे इक्वल्स टू, इन दोनों में से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन है, तो यहां बचेगा वन बाय आर वन, और ये वन माइनस टू तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा वन बाय आर टू, इसमें से म्यू वन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू, इसमें से म्यू वन कॉमन ले लो, तो ये म्यू टू बाय म्यू वन आ गया माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन बाय वी माइनस वन बाय यू आया, म्यू टू बाय म्यू लिख दिया म्यू, वन बाय आर माइनस वन बाय आर टू, बिकॉज म्यू क्या होता है म्यू टू बाय म्यू वन, क्यों लिखा म्यू टू, तो लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन, क्या है एयर, एयर का वन होता है, तो खाली म्यू टू भी लिख सकते हैं, या मैंने इसको लिख दिया सिंपल म्यू, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। अब जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे हो तो इमेज बनती है फोकस पे, इनफिनिटी पे हो तो वी कितना होता है एफ, रख दो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इनफिनिटी म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, वन माइनस टू जीरो हो गया तो बचा गया वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो फाइनली हमारा पास फॉर्मूला आ गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वो दो रिजल्ट आपको अगर याद रहेंगे तो ये डिराइव हो सकता है, कोई नहीं होता, देखो डायरेक्ट डेरिवेशन आपका ऐसा है, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो एक बार इसका नोट करो फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आप बाद में नोट कर सको, ठीक है, चलो ले लिया होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, हमारे पास आ गया वन अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है, क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोकल इफ लेंस इज इमर्ज इन वाटर, अगर लेंस को पानी में डाल दे तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब ध्यान दो बेस में, तो पानी में डालने से पहले फोकल लेंथ है म्यू, म्यू को लिखते हैं हम म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन, अभी लिखा था ना इसको, ये तो एयर है, जब एयर से लेंस में ले जाएगी, और इन वाटर क्या हो जाएगा, जो वाटर का फॉर्मूला आएगा तो ये फैक्टर जो आएगा म्यू टू बाय म्यू वन की जगह म्यू वाटर आ जाएगा और वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, अब म्यू वाटर जो है ग्रेटर देन वन होता है, देखो ये वन था मान लो ऊपर वैल्यू थी दस, सपोज ऊपर दस था नीचे वन था, तो दस माइनस एक नौ आता है, नौ गुणा में ये हो जाता है, बट अब ये दस है और ये एक से ज्यादा है, मान लो दस बटे में अगर
वाटर का वेस्ट वॉल्यूम 3 होता है, दो मान लो तो आंसर 5 आएगा। 1.5 भी मान लो कितना आएगा, ऊपर चला जाएगा 6 के आसपास आएगा। तो पहले 9 गुना 6 गुना होगी तो ये चीज कम होगी ना, तो म्यू टू बाय म्यू वाटर इज लेस देन प्रीवियस वैल्यू, म्यू टू बाय म्यू वन इस वैल्यू से, यानी कि घट गई, ये घट गई तो फोकल लेंथ इसके इनवर्सली है तो बढ़ जाएगा, एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। तो सीधे याद रख सकते हो कि पानी में जब भी लेंस को डालोगे तो आपके फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछ देते हैं, इस लेंस को ऐसे काट दिए तो बताओ इसके फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ देखो म्यू तो वही है, वही लेंस है, और ये ऐसे काटा हुआ है तो इनके दोनों के रेडियस उतनी ही है, ये कर्वेचर उतना ही है, इनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नो इफेक्ट। और एक क्वेश्चन जो आप ट्राई करना है, ऐसे करना है, बाद में कराऊंगा आपको, इस लेंस को ऐसे काट दिया वर्टिकली, ये दो हिस्से होंगे इसके, तो हर एक हिस्से की फोकल लेंथ बताने नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? आंसर कल फर्क पड़ेगा वो निकालना है, घट जाएगा बढ़ जाएगा वो आपने निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए इतने ही रहेंगे, पढ़ते रहोगे।